एक बहुत मुश्किल दौर था हम सब का कोविड का, टू इयर्स बहुत मुश्किल गुजरे। तो मैं अगर दोनों से पूछूं कि आपने कोविड के दौर में क्या किया, मतलब कैसे आपने गुजारा किया अपना, जब डेली रूटीन क्या थी? डेली रूटीन मेरी जब 2 महीने तो मैं बिल्कुल घर से निकली ही नहीं। अच्छा, जब हमारा लॉकडाउन, आई स्टिल रिमेम्बर 23 मार्च 24 मार्च कराची। Okay. जी का हर गल जी याद करके कर दे। एक दिन अपने मामा ने करे, आप मेरी मामा नहीं है? नहीं, मेरी मामा नहीं है। चलो अच्छा नहीं, कोविड मैं ये पूछ लूंगा कि खैर से आपको हुआ तो नहीं ना कोविड? नहीं मुझे। अच्छा, मैंने कोविड में क्या किया? मैंने कोविड में अपने आप को पा लिया। अच्छा, वो कैसे? कि जिन रिश्तों का, जिन जज्बों का एहसास नहीं था, दो पांच के चक्रों में कमाई करूं वो करूं, तो एक तो मौत को बहुत करीब से देखा। तुम्हारे इतने हंसते खेलते शो में मैं एक बड़ी सच्ची बात कह रहा हूँ, तो एहसास हुआ कि वो सारी ब्रांडेड चीज़ें, वो ओरिजिनल रेप्लिका घड़ियाँ, शूज़, ये सब कुछ ही यही है। जिंदगी यूं जा रही है और आज हैं और कल नहीं है, और है क्या, सिर्फ ये मोमेंट्स, ये कह कहे, ये हंसियाँ, ये खुशियाँ, बस हम इसी स्पेंड करते हैं, इसके बाद हम कहाँ जाते हैं ये पता नहीं चलता। बरकी साहब, इस कोविड ने साडा बहुत बुरा हाल कीता के पूछो ही ना। क्या हुआ? कोविड याद आना ते रोना निकल जाता। क्यों लैबा होते से केटा क्यों मीटर कटे गए, फर्नीचर बिक गए, बुढ़ी मेरी बच्चे छड़ के ते पेके चली गई। पेके? हाँ जी। आर यू शोर पेके गई हो? आहो यार, पेके होर मेरी बुड्ढी ने की ऑफिस जाना होंदा। भाई एहतियातन पूछ रहा हूं ना, क्या आपने पीछे जाके देखा वो पेके गई थी? आहो यार, तैनू केड़ी भाई शक पई आ यार इस भाई दी? सब काशम साहब, तैनू की दसिए, कमेटियां टूट गईयां। अच्छा, कार दा किराया 1 साल दा चढ़ गया साडे सिर ते। अब्बा जी नहीं साडे? हां जी। उहनां नूं जमानत दे के ते किराए ते मकान लिया सी। अच्छा, माशाल्लाह 6 महीने हो गए ने अंदर ने। अच्छा, मैं कहना तुहानू की दसीए, करोना दे विच ओ हाल होया कि घर दे विच अब्बा जी आउंदे सी, उहनां ते वी स्प्रे करदे सी। छोटा भरा आउंदा सी, उहदे ते वी स्प्रे करदे सी। करोना ने साडा बहुत बुरा हाल कीता, माड़ी कीती। बात सुनो, ये वैसे अज तक जिहड़ी तुसां मौसीकी नाल कीती है ना, हां जी, इन्नी करोना ने थोड़े नाल नहीं कीती। बात सही है। देखिए बात पता क्या है, देखिए मुश्किल वक्त आते हैं कौमों पे, लेकिन हम लोग सब मिलके जब एक होके एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो ये आजमाइश का वक्त जो है वो निकल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह के बहुत से सैलाब पहले भी आए और आज भी हमारा मुल्क जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, एक बहुत बड़ा सैलाब ने हिट किया है, तो व्हाट डू यू थिंक, हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह के वक्त आता है पाकिस्तान में, जैसे 2010 में जलजले और सैलाब आए, तो बड़ी यूनिटी देखी जाती है। बिल्कुल, हमारी पूरी नेशन जो है वो इकट्ठी हो के काम करती है उसके लिए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह रीबिल्डिंग की तरफ आएंगे। मैं तो काशिफ ये कहूँगा कि जब से मैंने होश संभाली है, मैंने ना कैंप उतरते देखे हैं, कभी जलजला तो कभी सैलाब, और मुझे ये कभी समझ नहीं आई कि हर दफ़ा आवाम से ही क्यों अपील की जाती है, हर दफ़ा हम सब ही क्यों मिलजुल के चंदा भी देते हैं, इकट्ठे खड़े भी हो जाते हैं। हम सब ने इकट्ठे खड़े हो के पाकिस्तान भी बना लिया था, और मेरा ख्याल है ये वक्त अब भी वही है कि हम सबको मिलजुल के एक साथ इकट्ठे होना है और इस पाकिस्तान को बनाना है, क्योंकि इस पाकिस्तान के बिगाड़ में मेरी जनरेशन तक के सारे लोग जिम्मेदार हैं। अगरचे हमारे पास कभी कोई ओहदा नहीं रहा, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी यंगस्टर्स का है और वाकई इनका है, और ये इन्होंने ही बचाना है। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की है कि जितनी भी फंड रेजिंग हो रही है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो लोग इस पर भी सियासत कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि हर कोई ये कोशिश कर रहा है
कि वो जो कुछ भी इकट्ठा करे वो खुद जाके जो है वो डिलीवर करे। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक नेटवर्क चाहिए इसके लिए। आप एक सर्टन जगह से आगे नहीं जा पाते, तो कोशिश ये कीजिए कि जिस भी इदारे का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि पाक फौज का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है जी, उन्हीं के जवान जो ऑर्गेनाइजेशन है अब वो हेलीकॉप्टर्स पे और दूसरी जगहों से वो जा रहे हैं। और आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी फंड्स आ रहे हैं दुनिया भर से लोग दिल खोल के दे रहे हैं, खुदा रहा इन्हें मुस्तहिकों तक की। बिल्कुल, और इसको एक ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, इसको चैनलाइज करने की जरूरत है, और ये काम जो है वो हुकूमत वक्त ही कर सकती है। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मचाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। कराची का हर गल में भी याद करके कर दे। एक दिन अपनी मामा ने करे आप मेरी मामा नहीं नहीं मेरी मामा नहीं है चलो उसकी आवाज नहीं।